नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। दोस्तों अक्टूबर महीने की टॉप 5 वैकेंसी हम लेके आ गए हैं। देखिए जो वैकेंसी मैं बताने वाला हूं ना दोस्तों, सभी को अप्लाई करना चाहिए। 10वीं लेवल पर 12वीं लेवल पर वैकेंसी होने वाला है दोस्तों, ठीक है। चलिए पहला जो वैकेंसी है ना वो देख लीजिए। देखिए पहला वैकेंसी है दोस्तों CISF हेड कांस्टेबल और ASI स्टेनो की वैकेंसी है। टोटल पोस्ट की बात करें ना तो 540 पोस्ट पर वैकेंसी है। और देखिए इसमें दोस्तों आपका बात करें स्टेनो का 122 पोस्ट है और हेड कांस्टेबल का 418 पोस्ट पर वैकेंसी है, ठीक है। लास्ट डेट 25 अक्टूबर तक फॉर्म भरने का है, तो आपको कम से कम 15 से 20 के बीच में ही फॉर्म भर देना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए 100 रुपये फी लग रहा है दोस्तों, SC ST का 0 रुपये। एज कब से काउंट किया जाएगा ना, 25 अक्टूबर से आपका एज काउंट किया जाएगा 2022 से, ठीक है। 18 से 25 साल आपका एज होना चाहिए, किसका, जनरल वाले बच्चे का, ठीक है। OBC है तो 3 साल का छूट और SC ST है तो 5 साल का छूट। डेट ऑफ बर्थ से समझिएगा, 26 अक्टूबर 1997 से लेकर 25 अक्टूबर 2004 के बीच जनरल वाले बच्चे अप्लाई कर पाएंगे। जैसे कि मैंने बताया OBC का 3 साल का छूट मिलता है, तो 97 में से 3 घटाइए कितना हो जाएगा, 1994 से भर पाइएगा और 1992 से SC ST वाले भर पाएंगे, ठीक है। देखिए हेड कांस्टेबल के लिए 10+2 आपका मस्ट पास है, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें दोस्तों आपका टाइपिंग का टेस्ट भी लिया जाता है, ठीक है, लेकिन सर्टिफिकेट की कोई जरूरत है नहीं, 10+2 पास है, अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए हिंदी का टाइपिंग देना चाहते हैं 30 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश देना चाहते हैं 35 वर्ड पर मिनट, दोनों में से कोई एक देना है, सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं। 12वीं पास से आराम से अप्लाई कीजिए दोस्तों, ठीक है। अब देखिए ASI में 10+2 होता है, उसके बाद शॉर्ट हैंड आपको देना होगा, हिंदी इंग्लिश का ये यहाँ पे लिखा हुआ है। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले दोस्तों आपका क्या होगा, PST होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें रनिंग नहीं होता है, यही एक दोस्तों खासियत है ना हेड कांस्टेबल की, इसमें रनिंग नहीं होता CISF वाले में। इसमें केवल होगा आपका हाइट देखा जाएगा और चेस्ट नापा जाएगा, बस नॉर्मल और 5 सेंटीमीटर फुला के, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन उसी टाइम करिए, थोड़ा सा आपका चेक किया जाएगा जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। उसके बाद रिटन एग्जाम होगा, फिर टाइपिंग और मेडिकल होता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों फिजिकल के बारे में मेल का अगर हाइट की बात करें ना, तो हाइट आपका दोस्तों होना चाहिए 162.5 ST कैंडिडेट का। बाकी दोस्तों जनरल हैं, OBC हैं और SC हैं तो 165 सेंटीमीटर हाइट, ठीक है। फीमेल में दोस्तों आपका जनरल कैंडिडेट का, OBC का और SC का 155 सेंटीमीटर हाइट, और दोस्तों फीमेल में ST है तो 150 सेंटीमीटर हाइट। चेस्ट केवल आपका मेल का मांगता है 77 से 82, ठीक है। ये दोस्तों वैकेंसी, इतना इसका फिजिकल हो गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर सिलेबस ध्यान से समझिएगा, जो सिलेबस है ना ये 12वीं लेवल का सिलेबस है, मतलब 12वीं से संबंधित, मतलब 12वीं लेवल के संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। इसमें क्या क्या पूछेगा, ये दोस्तों पेपर OMR या दोस्तों ऑनलाइन दोनों में से कोई एक हो सकता है लिखा गया ऐसे नोटिफिकेशन में, लेकिन जितना भी पिछला बार वैकेंसी हुआ ना सारा वैकेंसी में ऑफलाइन ज़्यादा चांस मान चलिएगा ना, इसका पेपर जो होगा ना ऑफलाइन ही होगा, ठीक है, 90% संभावना है। रीजनिंग से 25 क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, GK से 25 क्वेश्चन पूछेगा, मैथ से दोस्तों आपका 25 क्वेश्चन रहने वाला है, और देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में से 25-25 एक करना होता है, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन ये हो गया, हिंदी कीजिए तो 25, इंग्लिश कीजिए 25, दोनों में से कोई एक करना होता है। 100 क्वेश्चन टोटल, 100 मार्क्स का, 2 घंटे का समय होता है, निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए एक साथ थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कितना नंबर लाने पर सिलेक्शन होगा। इसमें दोस्तों आपको अच्छा खासा नंबर लाना पड़ता है, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, 80+ पे ही सिलेक्शन होता है, और फिजिकल में दोस्तों रनिंग भी नहीं है, ठीक है। देखिए अब देखिए दोस्तों यहाँ पर दूसरा जो है ना, यहाँ पर बिहार चपरासी सिविल कोर्ट का, यानी दोस्तों इसको बोल सकते हैं प्यून का वैकेंसी है, सिविल कोर्ट में प्यून की वैकेंसी है, ठीक है। देखिए टोटल पोस्ट इसमें कितना है दोस्तों, 1673 पोस्ट है, ठीक है। लास्ट डेट की अगर हम बात करें ना तो 20 अक्टूबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, तो आपको फॉर्म भर देना है, 10 तक फॉर्म भर दीजिएगा जरूर, ठीक है। अब देखिए फीस में कितना लग रहा है, जनरल BC EBC EWS है तो दोस्तों 600 रुपये दोस्तों आपको फी लगेंगे, बाकी SC ST और PH के कैंडिडेट हैं तो 300 रुपये लगेंगे। ये दोस्तों ऑल इंडिया वैकेंसी जो है ना, ऑल इंडिया वैकेंसी है, यानी बिहार के बाहर के भी रहने वाले ना तभी अप्लाई कर सकते हैं, पर शर्त आपको जनरल कैंडिडेट, ऐसा जनरल कैंडिडेट अप्लाई करना होगा, ठीक है। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकती है। एज देखिएगा 1 सितंबर 2022 से एज आपका काउंट किया जाएगा, यानी 1 सितंबर 2022 तक आपका एज जो है ना 18 से 37 साल होना चाहिए, बाकी BC EBC का 18 से 40 साल तक और SC ST का 18 से 42 साल तक। फीमेल कैंडिडेट की अगर बात करें ना दोस्तों, तो फीमेल कैंडिडेट 18 से 40 और फीमेल में SC ST हैं तो 18 से 42, तो अच्छा खासा एज होता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए डेट ऑफ बर्थ से 1 सितंबर 1995 से 1 सितंबर 2004 के बीच है, जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और छूट जैसे जैसे मिलता है दोस्तों साल घटाते जाइएगा, ठीक है। ये सब पर डिटेल्स वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखा है दोस्तों, अगर आप वो देखना चाहते हैं ना तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ठीक है। ये शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि टॉप 5 अक्टूबर के वैकेंसी आपको बताना है, ठीक है। देखिए 10वीं पास है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, मेडिकली फिट, यानी फिट आप होना चाहिए, साथ में आपका गुड मॉरल कैरेक्टर, अच्छा कैरेक्टर होना चाहिए, तो इसका
जरूरत है नहीं, फिट बस ध्यान रखिएगा 10वीं पास हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, बाकी करेक्टर तो आपका सही ही है और ऑटोमेटिकली फिट वो तो नाम मात्र लिखा रहता है सभी वैकेंसी में, बस 10वीं पास है अप्लाई कीजिए, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस में दोस्तों सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग टेस्ट जिसको PT बोलते हैं, ठीक है, PT एग्जाम होगा, ठीक है। इसमें दोस्तों देखिए लिखा गया है नोटिफिकेशन में, फॉर्म ज़्यादा अप्लाई होने पर आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जाहिर सी बात है 10 लाख के आसपास बच्चे अप्लाई करेंगे तो आपका PT होगा ही होगा, ठीक है। ये दोस्तों आपका MCQ होगा, आपका ऑप्शन वाला क्वेश्चन इसमें पूछेगा, ठीक है। सिलेबस देखिएगा 25 GK से मैथ 25, इंग्लिश 25, हिंदी 25, 100 क्वेश्चन, 2 घंटे का समय होता है, ठीक है। ये स्क्रीन टेस्ट या प्री का बता रहा हूँ, ठीक है। मेंस के लिए 10 गुना रिजल्ट दिया जाता है, टोटल वैकेंसी का 10 गुना, 1673 का 10 गुना निकाल लीजिए दोस्तों, ठीक है। मेंस का एग्जाम का सिलेबस देख लीजिए, रिटर्न 85 नंबर का होगा, ठीक है। इसमें 30 क्वालिफाइंग मार्क्स लिखा गया दोस्तों, हालांकि इससे आपका काम चलने वाला है नहीं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश करना, तो ये 30 भी भुला जाइए, ठीक है, जिससे कुछ काम होने वाला नहीं है, ठीक है। देखिए इंटरव्यू इसमें 15 नंबर का होने वाला है, 15 मार्क्स का। देखिए इंटरव्यू में 6 नंबर, हाँ ये जरूरी है 6 नंबर लाइएगा पास हो जाइएगा। देखिए हिंदी से 35 क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश से 15 क्वेश्चन और मैथ से 35 क्वेश्चन। अब दोस्तों जो 85 है ना, जो यहाँ पर लिखा है 35 15 35, इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है ना डिस्क्रिप्टिव रहेगा, एसे और लेटर रहेगा, ठीक है। हिंदी में जो कुछ क्वेश्चन रहेगा ना, तो आपका जैसे कि लिखा दिया, निबंध हो गया, पत्र लिखने का हो गया, लेटर हो गया, ये अप्लीकेशन हो गया, थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव मतलब आपका लिखने वाला रहेगा, बाकी आपका ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, दोनों मिक्स करके सेकंड पेपर में से 85 नंबर पूछेगा। अगर डिटेल्स में जाना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, पूरा डिटेल्स बता चुका। तो ये दोस्तों 2 वैकेंसियाँ होगी 10वीं पर, ये 10वीं पर है और ये 12वीं पर है। चलिए आगे की जो 3rd वैकेंसी है, 4th वैकेंसी और 5th नंबर वैकेंसी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों जो 3री वैकेंसी निकल के आ रही है ना, ये देखिए इंडियन आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स की वैकेंसी निकल के आ रही है, ठीक है। आयुध, ये जो आयुध विभाग होता है उसमें दोस्तों वैकेंसी है, ठीक है। टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो 2212 आपका पोस्ट रहेगा, फी की बात करें 100 रुपये, एज 18 से 25 साल, OBC का 3 साल का छूट मिलता है, SC ST को 5 साल का छूट मिलता है, ठीक है। अप्लाई ये दोस्तों कब से होगा, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। अप्लाई डेट ये दोस्तों 10 तारीख तक आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अभी दोस्तों शॉर्ट नोटिफिकेशन आया हुआ, ये बताया है अक्टूबर में कि वैकेंसी फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, 10 से 15 के बीच में वैकेंसी देखने को आपको मिल जाएगा। डिटेल्स में हमने जैसे कि बताया ऑलरेडी बना रखा है, लेकिन आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसमें ट्रेड्समैन मेट का पोस्ट है 1249 पोस्ट है, फायरमैन का 544 पोस्ट है, और पोस्ट है ना ये मटेरियल असिस्टेंट का पोस्ट होने वाला है। देखिए अगर सबसे पहले ट्रेड्समैन मेट की बात करें तो 10वीं पास है, अप्लाई कीजिएगा आसानी से दोस्तों, 18,000 से लेकर 56,900 आपका सैलरी स्टार्टिंग है, ठीक है। फायरमैन की बात करें 10वीं लेवल पे 19,900 से लेकर 33,200 तक आपका सैलरी है, और जो यहाँ पर है ना मटेरियल असिस्टेंट का वैकेंसी, इसमें दोस्तों 449 पोस्ट है, ये ग्रेजुएशन मांग रहा है केवल दोस्तों, यहाँ पर 29,200 से लेकर 92,300, ठीक है। ये दोस्तों वैकेंसी है, फटाफट बता रहा हूँ ताकि ज़्यादा समय ना हो, ताकि ज़्यादा बच्चों को जल्दी से पता चले। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपका पिछला जो वैकेंसी हुआ था ना दोस्तों, देखिए पिछला वैकेंसी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें ना, पिछला वैकेंसी में आपका पहले फिजिकल हुआ था, ठीक है। तो इस बार भी ज़्यादा चांस हो सकता है फिजिकल, लेकिन डिटेल्स आने दीजिए तब पता चलेगा। फिजिकल होगा यानी PET और आपका PMT होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है। उसके बाद दोस्तों आपका आपका रिटन एग्जाम हो सकता है, ठीक है। उसके बाद DB, उसके बाद आपका मेडिकल हो सकता है, ठीक है। सिलेबस देखिएगा, सिलेबस जो मैं बता रहा हूँ प्रीवियस वैकेंसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि इस बार का शॉर्ट नोटिफिकेशन आया, टोटल पोस्ट बताया गया और सबके लिए योग्यता बताया गया, ठीक है। ये दोस्तों प्रीवियस वैकेंसी के अकॉर्डिंग हमें बता रहा हूँ, 10वीं लेवल का स्टैंडर्ड का क्वेश्चन रहेगा, जो पोस्ट है ना ये वाला और ये वाला दोनों का पोस्ट का मैं बता रहा हूँ सिलेबस क्या है। देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पर बात करें ना, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन रहेगा, मैथ से 25 क्वेश्चन, इंग्लिश से 25 क्वेश्चन, GK GS से 25 क्वेश्चन, और जो स्पेशलाइज टॉपिक है दोस्तों उससे संबंधित आपका 50। ये इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा, सिंपल क्वेश्चन रहता है, ठीक है। जैसे दोस्तों फायरमैन से रिलेटेड कोई सेफ्टी इक्विपमेंट के बारे में पूछ दिया, आग लगने पे किससे बचाव करने के लिए उससे जुड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा आपका सवाल रहेगा, और ट्रेड्समैन मेट से संबंधित कुछ सवाल रहेगा, तो आसानी से ये लोग कर लीजिएगा, बता देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना, ठीक है। 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स का, 2 घंटे के समय, निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है। तो ये दोस्तों है, तो ये देखिए ये स्पेशलाइज टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, सारा क्लियर करा देंगे ना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, सारा क्लासेस भी स्टार्ट करवा देंगे हम आपको, ठीक है। तो ये है दोस्तों इंडियन आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्स में अप्लाई 10 से 15 के बीच में होगा, इसी महीने का वैकेंसी है, सारा फटाफट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। देखिए अगला जो वैकेंसी है, वैकेंसी नंबर 4 दोस्तों, ये है बिहार कार्यालय परिसारी का वैकेंसी, टोटल 238 पोस्ट है, लास्ट डेट की बात करें तो 31 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे, 0 रुपये फॉर्म भरने का फी है, ठीक है। तो सभी को अप्लाई करना चाहिए, एज लिमिट दोस्तों 1 अगस्त 2022 से काउंट किया जाएगा, 18 से 37 साल, BC का 3 साल, SC ST का 5 साल का छूट मिलता है। बिहार का बाहर के रहने वाले भी है ना, तब भी आप लोग आसानी से अप्लाई कर दोगे, जनरल से अप्लाई करोगे, ठीक है। बाकी ये तो दोस्तों ऑल इंडिया लेवल वैकेंसी है,
जो कैटेगरी उसी में अप्लाई करना है आपको। देखिए दसवीं पास है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं ऑल इंडिया कैंडिडेट। सिलेक्शन प्रोसेस में दोस्तों देखिए यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस कहने का मतलब कहना इसमें एग्जाम नहीं होता, यहाँ पर मेरिट बनता है आपका परसेंटेज बेस पर। जिसका ज़्यादा परसेंट होगा टेंथ में उसका ज़्यादा चांस है। जिन बच्चों का 70 से ज़्यादा परसेंटेज है ना उनको जरूर अप्लाई करना चाहिए क्योंकि इसमें फी भी नहीं लग रहा है, ठीक है। तो जरूर अप्लाई कीजिएगा, 70+ है तो चांस ले सकते हैं। हालांकि CBSE वाले बच्चों का तो 90-95 है, अगर वो भरती है तो आपका चांस नहीं बचता है जो बिहार बोर्ड से यूपी बोर्ड से या अदर जो सरकारी बोर्ड से हो गए। बाकी CBSE वाले उससे बच्चे का ज़्यादा होता है तो जाहिर सी बात है, ठीक है। ऑल इंडिया लेवल पर जो वैकेंसी है जॉब लोकेशन आपका बिहार होगा, आरक्षण का मूल जो लाभ होता है ना वो बिहार के निवासियों को मिलेगा क्योंकि ये बिहार का वैकेंसी है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में आपका जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र की जरूरत होगा क्योंकि आप छूट लेना चाहते हैं, तब ये बिहार के नागरिकों को मिलेगा, ठीक है। अदर स्टेट के हैं तो जाति के प्रमाण पत्र की जरूरत है नहीं, निवास प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा काम चल जाएगा आपका। वेबसाइट है www.dst.bihar.gov.in, इस वेबसाइट के माध्यम से आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सैलरी लेवल 1 का 18,000 बेसिक सैलरी, उसके बाद डीए वगैरह जोड़िएगा ना तो आपको 25,000 से ज्यादा आपका सैलरी स्टार्टिंग महीना का मिलने वाला है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में आपका जॉब होगा, ठीक है। ये दोस्तों ऑफिस वाला जॉब है, मस्त जॉब है, आप लोग जरूर अप्लाई कीजिए। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में ये वैकेंसी मतलब उस विभाग में आपका जॉब मिलेगा, ठीक है। कंप्यूटर पर काम ज्यादातर हो सकता है, कंप्यूटर पर ही काम मिले। तो ये दोस्तों 4 वैकेंसियां होगी, चलिए फटाफट बताते हैं पांचवी वैकेंसी कौन सी है। देखिए दोस्तों जो अगला वैकेंसी है जो पांचवा नंबर वैकेंसी है ना वो दोस्तों आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए ये वैकेंसी है दोस्तों UPPCL टेक्निकल इलेक्ट्रिकल, यानी दोस्तों ये बिजली विभाग का वैकेंसी है, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में बिजली विभाग की ये दोस्तों वैकेंसी निकल के आ रही है, ठीक है। टोटल 891 पोस्ट है, अप्लाई करने का लास्ट डेट दोस्तों 19 अक्टूबर है, ठीक है। देखिए फी की बात करें जनरल OBC हैं तो दोस्तों आपका 1180 रुपये लगेगा, ठीक है। SC ST का 826। ऑल इंडिया लेवल पर जॉब है दोस्तों, ठीक है। ऑल इंडिया लेवल मतलब कहने का मतलब ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जो यूपी के बाहर के हैं तो वो एज अ जनरल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, ध्यान रखिएगा। जो स्टेट गवर्नमेंट का वैकेंसी आता है ना उसमें अगर आप अप्लाई करते हैं ना तो आपको जनरल से अप्लाई करना है। अगर ऑल इंडिया लेवल पर वैकेंसी आता है सेंट्रल गवर्नमेंट का उसमें जो कैटेगरी है उसके अनुसार अप्लाई करना होता है, ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा। एज लिमिट दोस्तों 1 जनवरी 2022 से काउंट किया जाएगा, 18 से 40 साल, 5 साल का छूट मिलता है। OBC SC ST को 5 साल का छूट मिलता है, ये केवल यूपी के नागरिकों को मिलेगा। अदर स्टेट ऐसा जनरल के डेट आप अप्लाई करोगे। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका रिटर्न एग्जाम ही होता है, Part 1 और Part 2 दो भाग में डिवाइड किया गया है। Part 1 में कंप्यूटर से आपका 50 क्वेश्चन पूछेगा, CCS का क्वेश्चन पूछेगा, हालांकि दोस्तों कहता है लेकिन होता नहीं है, सारा मिक्स ही रहेगा, ठीक है। घबराने की कोई टेंशन नहीं है। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 1/4 निगेटिव, 4 गलती कीजिएगा 1 नंबर आपका कट कर लिया जाएगा। पासिंग मार्क्स 20 होने वाला है, 20 नंबर लाना होगा आपको। Part 2 में 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का 1/4 निगेटिव है, इसमें 33% आपको लाना है, ठीक है। 33% आपको लाना होता है, ठीक है। देखिए Part 1 और Part 2 दोनों मिला के 3 घंटे का आपका दोस्तों ये है, Part 1 और Part 2 दोनों मिला के 3 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। Part 2 का यहाँ पर सिलेबस लिखा गया है दोस्तों, ठीक है। ये जो है ना ये दोस्तों आपका Part 2 का सिलेबस है। Part 2 में GK+ Reasoning 20 क्वेश्चन रहेगा, हिंदी से 15 क्वेश्चन, इंग्लिश से आपका 15 क्वेश्चन, ट्रेड या जो लिखा गया ना तकनीकी विषय ज्ञान भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। उससे 150 क्वेश्चन। अब भैया यही सबसे इम्पोर्टेंट है, अब जो बच्चे इसमें निपुण है, ठीक है, वो उसी का रिजल्ट होगा। ये क्या है ट्रेड कहने का मतलब क्यों है ना दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा जो आपका क्वालिफिकेशन 10th मांग रहा है, 10th में साइंस एंड मैथ होना चाहिए, ठीक है। तो 10वीं में अगर आपका मैथ और साइंस है तब अप्लाई कीजिएगा। साथ में ITI मांग रहा है दोस्तों, ठीक है। ITI किस में मांग रहा है, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से आपने किया है NCVT से तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। मतलब 10th+ ITI वाले बच्चों के लिए है, जो बच्चे ITI किए हैं ना इलेक्ट्रीशियन, और दोस्तों देखिए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रीशियन है उनके लिए है, तो सबसे अच्छा सुनहरा मौका है दोस्तों, ठीक है। 10वीं साइंस और मैथ होना चाहिए, साथ में ITI इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर जो ट्रेड लिखा गया है ना, ट्रेड मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल और दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक हो गया ना, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन हो गया, माफ कीजिए इलेक्ट्रॉनिक में पढ़ रहा था दोस्तों, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रीशियन, ठीक है। इससे संबंधित आपका ट्रेड से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो ITI आपने किया ना उस टाइम जो बुक मिलेगा उसी का आप याद कीजिएगा, ठीक, उसी से संबंधित क्वेश्चन रहेगा। तो ये दोस्तों होने वाला है, ठीक है। ये दोस्तों हमने आपको टोटल कितना बताया, टॉप 5 जॉब बताया हमने, ठीक है, टॉप 5 जॉब, ठीक है, 2022 के अक्टूबर महीने का। 10वीं लेवल पर हमने बताया था, 10th लेवल पर और बताया, और दोस्तों 12th लेवल पर एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें दोस्तों हम जितना भी पोस्ट है ना, जितने भी ग्रेजुएशन स्तर के वैकेंसी है
अक्टूबर में वो सारा कवर कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा लंबा वीडियो बन रहा था इसलिए 10वीं और 12वीं का केवल हमने पोस्ट बताया, ठीक है। और सारा वीडियो का अगर देखना चाहते हैं सारा ऑलरेडी हमने डिटेल्स में बता रखा है, समय देकर भी बता रखा है, देखना चाहते हैं वीडियो में मिल जाएगा दोस्तों सारा कुछ आपको मैं बता दूंगा। वीडियो लिस्ट चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा लिंक, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। कोई सवाल पूछना हो ना कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, कोई भी वैकेंसी का अपडेट नहीं छूटने वाला, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।